गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टूडेज लेक्चर ऑफ फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट एंड ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिटेल में समझेंगे फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है और पोर टेम्परेचर क्या होता है। एक्चुअली ये कॉमन टर्म्स हैं जो आप बार बार डिस्कशंस में सुनते होंगे, बट काफी सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर में बेसिकली डिफरेंस क्या है। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली ये सारे डाउट्स को क्लियर करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैश पॉइंट की। तो फ्रेंड्स, फ्लैश पॉइंट बेसिकली वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जहां पे किसी भी लिक्विड के जो वेपर्स होते हैं वो उसके सरफेस के अराउंड वो कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं कि वो उस टेम्परेचर पे इग्नाइट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, फ्लैश पॉइंट इज बेसिकली द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड कैन फॉर्म एन इग्नाइटेबल मिक्सचर। जो मेरा लिक्विड है वो एक इग्नाइटेबल मिक्सचर बनाता है इन एयर नियर इट्स सरफेस ताकि उसमें फायर हो सके। सो फ्रेंड्स, फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर जहां पे कोई भी लिक्विड के जो वेपर्स हैं वो उस लिक्विड के सरफेस के अक्रॉस एक ऐसा जोन क्रिएट करते हैं जहां पे फायर पकड़ सकती है। फ्रेंड्स, जितना ही मेरा फ्लैश पॉइंट कम होगा, याद रखिएगा, जितना ही मेरा फ्लैश पॉइंट कम होगा उतना ही वो मटेरियल जल्दी फायर पकड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं बात करता हूं गैसोलीन की जिसका फ्लैश पॉइंट है -40 डिग्री और एक तरफ मैं बात करता हूं इथाइलीन ग्लाइकॉल की जिसका फ्लैश पॉइंट है मेरा 111 डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो जो मेरा गैसोलीन है वो काफी जल्दी फायर पकड़ेगा बिकॉज इसका फ्लैश पॉइंट काफी कम है -40 डिग्री। बट इसके कंपेरिजन में अगर मैं देखूं तो मेरा इथाइलीन ग्लाइकॉल, इसको फायर पकड़ने में काफी हाई टेम्परेचर चाहिए, ये 111 डिग्री पे ही ये इसमें फ्लैश होगा फायर का। सो फ्रेंड्स, आई थिंक अब आपको फ्लैश पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, फ्लैश पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर, वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहां पे किसी भी लिक्विड के जो वेपर्स है वो सरफेस पे एक एयर के साथ में मिक्स करके एक इग्नाइटेबल मिक्सचर तैयार करते हैं जो फायर पकड़ सकता है। बट फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं जो काफी लोगों को डाउट रहता है, फ्लैश पॉइंट के केस में जो फायर होती है वो जस्ट एक इंस्टेंट फायर होती है, फायर जस्ट हल्की सी होगी और तुरंत बुझ जाएगी बिकॉज यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो इतना कम रहता है कि वो फायर आपकी सस्टेन कर ही नहीं पाएगी। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, इस केस में आपका एक हल्का सा फ्लैश होगा और तुरंत बुझ जाएगा बिकॉज जो आपका मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इतना कम होगा आपके फ्लेमेबल लिक्विड का कि वो फायर सस्टेन कर ही नहीं पाएगी, जस्ट फायर पकड़ेगी और तुरंत बुझ जाएगी। इस पॉइंट को बेसिकली बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फायर पॉइंट की। फ्रेंड्स, फायर पॉइंट इज बेसिकली अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रोड्यूस्ड बाई दैट गिवन फ्लेम विल कंटिन्यू टू बर्न एटलीस्ट 5 सेकेंड आफ्टर इग्निशन बाई एन ओपन फ्लेम। फ्रेंड्स, फायर पॉइंट के केस में याद रखिए कि जो भी मेरा फ्यूल है या फिर जो भी मेरा मटेरियल है उसके जो वेपर्स है वो उसके सरफेस के अक्रॉस ऐसा इतना कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप करते हैं कि अगर एक बार फायर होगी तो वो एटलीस्ट 5 सेकेंड्स तक तो सस्टेन करेगी, मींस उसके ऊपर फायर सस्टेन कर सकती है बट मिनिमम 5 सेकेंड्स तो होना ही होना है। सो फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, फायर पॉइंट ऑफ अ फ्यूल इज बेसिकली अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रोड्यूस्ड बाय दैट गिवन फ्यूल विल कंटिन्यू टू बर्न फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड्स आफ्टर इग्निशन बाय एन ओपन फ्लेम। फ्रेंड्स, याद रखिए डिफरेंस, आपको दोबारा रिपीट करता हूं, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के बीच में डिफरेंस फ्रेंड्स यहीं पे समझिएगा। फ्लैश पॉइंट में क्या होता है, आपका वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहां पे एक बार फायर पकड़ेगी लेकिन वो फायर पकड़ी नहीं कि बंद बिकॉज वहां पे ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन, फ्लेमेबल जो वेपर्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन ही इतना कम होता है कि वो फायर को होने ही नहीं देगा, एक बार आपकी फायर पकड़ेगी और तुरंत बुझ जाएगी। बस फ्रेंड्स, फायर पॉइंट के केस में क्या रहता है कि आपकी जो फायर होगी वो एटलीस्ट 5 सेकेंड्स तक सस्टेन करेगी और इससे ज्यादा भी जा सकती है लेकिन मिनिमम 5 सेकेंड्स की फायर तो होगी ही होगी। और फ्रेंड्स, एक और चीज याद रखिएगा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फायर पॉइंट है ये हमेशा फ्लैश पॉइंट से ज्यादा होता है बिकॉज द वेपर्स प्रोड्यूस्ड एट द फ्लैश पॉइंट आर नॉट सफिशियंट इनफ टू इग्नाइट द फायर, जो मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था। सो फ्रेंड्स, होप आपको फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, दोनों आपके
उस कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करते हैं जहां पे आपकी फायर होने के चांसेस रहते हैं। बट फ्लैश पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे आपकी फायर पकड़ेगी लेकिन इंस्टेंट बुझ जाएगी। बट फायर पॉइंट के केस में आपकी जो फायर पकड़ेगी वो एटलीस्ट मिनिमम 5 सेकेंड्स या फिर उससे ज्यादा सस्टेन करती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। और जो आपका फायर पॉइंट होता है इसकी वैल्यू हमेशा फ्लैश पॉइंट से बड़ी होती है, ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर की। सो फ्रेंड्स, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर बेसिकली वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहां पे कोई भी सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस वो अपने आप फायर पकड़ लेता है विदाउट एनी सोर्स ऑफ इग्निशन। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, अच्छे से समझिएगा। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जहां पे कोई भी मटेरियल, आइदर इट में भी सॉलिड, इट में भी लिक्विड और इट में भी अ गैस, वो अपने आप फायर पकड़ लेता है। इट विल सेल्फ इग्नाइट विदाउट अ सोर्स ऑफ इग्निशन। फ्रेंड्स, सबसे जरूरी चीज, विदाउट एनी इग्निशन सोर्स। इस केस में फ्रेंड्स हमें किसी भी इग्निशन सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, याद रखिएगा। ऑटो इग्निशन के केस में हमें किसी भी इग्निशन सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटो इग्निशन का जो टेम्परेचर रहता है वो हमेशा फ्रेंड्स फ्लैश पॉइंट से ज्यादा होता है। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज एक्सीड्स द फ्लैश पॉइंट। और फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन सच बेसिकली आती है ड्यू टू एक्सटर्नल हीटिंग। ऐसी कंडीशन आती है एक्सटर्नल हीटिंग की वजह से या फिर आपका ओवर हीटिंग की वजह से मटेरियल मेरे ऑटो इग्नाइट होते हैं। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, ऑटो इग्निशन के लिए बेसिकली जो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं आइदर एक्सटर्नल हीटिंग या फिर ओवर हीटिंग की वजह से आपका जो कोई भी मटेरियल है वो ऑटो इग्नाइट होता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ऑटो इग्निशन टेम्परेचर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, मूव करते हैं, एक टर्म आपने और सुना होगा, ये काफी कम यूज में आता है बट आपको पता होना चाहिए। हम बात करते हैं पोर पॉइंट की। सो फ्रेंड्स, पोर पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर बिलो विच द लिक्विड लूजेज इट्स फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्रेंड्स, पोर पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे जो भी मेरा लिक्विड है वो फ्लो होना बंद कर देता है। सो फ्रेंड्स, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर इन विच द ऑयल हैज द एबिलिटी टू पोर डाउन फ्रॉम अ बीकर। इसको बेसिकली हम ऑयल के टर्म्स में ज्यादा यूज करते हैं इस टेम्परेचर को। तो फ्रेंड्स, ये वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहां पे ऑयल जो है वो अपनी एबिलिटी लूज कर देता है एक बीकर से गिरने की। सो फ्रेंड्स, इन क्रूड ऑयल अ हाई पोर पॉइंट, अगर ऑयल के क्रूड ऑयल के केस में अगर पोर पॉइंट आपका हाई है सो दैट मींस कि उसमें जो पैराफिन कंटेंट है वो हाई है। सो फ्रेंड्स, आपको होप पोर पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पोर पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहां पे कोई भी जो लिक्विड होता है वो अपनी फ्लोएबिलिटी को लूज कर देता है। और बेसिकली हम इसका यूज ज्यादातर करते हैं आपका ऑयल्स के केस में। सो फ्रेंड्स, होप आपको पोर पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर और फ्लैश पॉइंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल बेसिकली हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और उसके क्या इंपैक्ट्स होते हैं, और एज अ केमिकल इंडस्ट्री में हम सारे लोग काम करते हैं तो हमें उसका नॉलेज होना क्यों जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।